पहले तोलो फिर बोलो आज का प्रेरणा पाते हैं। ये हमारा वाणी से जुड़ा हुआ है, ये हमारा स्वर तंत्र से जुड़ा हुआ है कि हमें बोलने के पहले तोलना चाहिए, शब्दों का विन्यास करना चाहिए कि जो हम बोलने जा रहे हैं उसका सामने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह व्यक्ति प्रभावित होगा क्या, उसको जो है वो किसी तरह का कष्ट आएगा क्या, क्योंकि हमारे को तो किसी को कष्ट देना नहीं है, इसीलिए हमारे को तो जबान से सबको मित्र बनाना है, शत्रु नहीं बनाना है। तो हमें जो है पहले ये अच्छी तरह से चिंतन करना पड़ेगा कि ये पहले बोलने के पहले तोलना पड़ेगा और ये हर क्षेत्र के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, डे टू डे लाइफ के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बिना जो है अगर बिना कोई भी अगर तोले हम बोलने लग जाते हैं तो वह वस्तु अनर्गल हो जाती है, किसी को कष्ट देने वाली हो जाती है और हमारा जो है अवमानना भी हो जाती है। तो हमें कोई भी बोला जाए पहले तोल करके, यानी कि वह स्पष्ट भाषा बोली जाए, मधुर भाषा बोली जाए, छोटी भाषा बोली जाए और सब किसी को टॉन्टिंग भाषा नहीं बोली जाए। तो इस तरीके का जो है हमको एक भाषा के सहारे व्यवहार बनाना चाहिए और व्यक्ति जो पहले तोलता है फिर बोलता है और नपी तुली बात बोलता है तो उसको जीवन के अंदर कोई कष्ट नहीं आता है, क्योंकि ये जो सारी जो पहले बातें हैं वो पहले ही हो जाती है और फिर जो है बोला जाता है। तो ये एक अच्छा गुण है जो हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए।